सैफ कप 2023 में भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। इस मैच में बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को भी मिल गया। दरअसल इस मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला बैंगलोर में खेला जा रहा था। बहरहाल सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बैंगलोर में खेले जा रहे सैफ कप मुकाबले के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के आपस में उलझने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उम्मीद है आपने भी देख ही लिया होगा। दरअसल मैच में हाफ टाइम की सीटी बजने से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी के बीच जमकर तीखी बहस देखने को मिली। जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में भिड़े थे उस वक्त तक टीम इंडिया 2-0 की बढ़त बना चुकी थी। हालांकि उस वक्त तक महज 16 मिनट का खेल हुआ था। लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ, विवाद की वजह क्या थी? दरअसल जब भारतीय कोच इगोर स्टिमाक ने उस समय गेंद उठाई जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अंदर की ओर फेंक रहे थे। बहरहाल इसके बाद भारतीय कोच इगोर स्टिमाक को रेड कार्ड दिया गया। वहीं पाकिस्तान के कोच को मैदान पर झगड़े का दोषी माना गया, जिसके बाद पाकिस्तान के कोच को येलो कार्ड दिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसी तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।